नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। वक्त है 10 के दस्तावेज का और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ऊर्जा मंत्री और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक जारी है। करीब 2 घंटे से ऊर्जा मंत्री के आवास पर यह बैठक चल रही है। बैठक में अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। बैठक में मौजूद नहीं है ऊर्जा विभाग के आला अधिकारी। ये बड़ी अपडेट है। 2 घंटे से लगातार ऊर्जा मंत्री से बातचीत करने के लिए तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया है। ये बैठक चल रही है, लेकिन कोई भी ऊर्जा विभाग का आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद नहीं है। और बैठक के भीतर से जो अपडेट आ रही है उसके हिसाब से अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। 2 घंटे से ये मंथन लगातार चल रहा है। ऊर्जा मंत्री के आवास पर ये मीटिंग चल रही है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को बुलाया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ऊर्जा विभाग के आला अधिकारी इसमें मौजूद नहीं है। मंत्री के साथ बातचीत चल रही है। समिति के पदाधिकारियों की कोशिश ये है कि एक पेज पर ले आया जाए, एक सहमति बनाई जाए, ताकि इस हड़ताल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जा सके और शहर शहर जो बिजली की आपूर्ति की स्थिति है उसे बहाल किया जा सके। सीधा रुख करते हैं ऊर्जा मंत्री के आवास से हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का, और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार विवेक, 2 घंटे बहुत होते हैं, 2 घंटे के बावजूद अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इस मीटिंग में कौन कौन मौजूद हैं और अभी ताजा अपडेट क्या है? देखिए स्नेहलता, 8 बजे ठीक यहां पर एंट्री हुई थी। जो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक हैं वो यहाँ पर, शैलेंद्र दुबे, वो आए थे। उनके साथ बहुत सारे जो यूनियन के लोग हैं वो भी थे। और 8 बजे एंट्री करने के बाद सीधे ऊर्जा मंत्री से मिले। हालांकि सबसे खास बात ये है कि जो चेयरमैन है UPPCL के, पावर कॉरपोरेशन के, एम देवराज, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और जब तक उनकी मौजूदगी नहीं होगी तब तक किसी भी सहमति, किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचना बहुत मुश्किल होगा। ये कहा अंदर शैलेंद्र दुबे और जो अन्य समिति के लोग हैं, उन्होंने कहा कि उनको बुलाइए, उनको यहाँ पर होना चाहिए। चूँकि जब तक वो हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जो समझौता होगा, मसौदा होगा, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी और तब तक किसी एक जो नतीजा होता है वो नहीं निकलेगा। और यही वजह है कि ये बैठक लंबी चल रही है लगातार। हालांकि इस बीच अपडेट ये भी रहा कि यहाँ पर DCP सेंट्रल को भी बुलाया गया, पुलिस के लोग भी यहाँ पर हैं। अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब पुलिस बार बार आती है, और जिस तरह से ऊर्जा मंत्री ने दोपहर में ही कहा था कि अब FIR होगी, ESMA लागू है, FIR होगी, सभी 22 समिति के जो लोग हैं, 22 लोगों के खिलाफ FIR होगी, 6 को सस्पेंड किया जा चुका है, बाकी को भी सस्पेंड करने की कार्रवाई होगी, उसके बाद से लगातार ये जो प्रेशर की पॉलिटिक्स हो रही है, प्रेशर की रणनीति बनाई गई है प्रेशर डालने की, वो अंदर किसी भी तरह से वो समझ में आ रहा है कि जो अंदर हो रहा है, यानी जो उनसे कहा जा रहा है, जो लोग निकल के आते हैं, बीच बीच में कुछ लोग निकल के आते हैं, वो बताते हैं कि किसी भी निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुंच सके हैं। कोई भी बातचीत, कोई भी ऐसी बातचीत नहीं हुई कि इससे कुछ माना जा सके कि 2 घंटे में कोई भी पॉइंट फ्रूटफुल रहा हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। 2 घंटे से लगातार अंदर बैठक जारी है। हाँ, बीच में एक आध बार तालियां बजने की बात, तालियों की आवाज़ ज़रूर सुनाई थी। यहाँ पर जितने भी बाहर लोग खड़े हैं उनको तालियों की आवाज़ सुनाई थी, तो अंदाज़ा लगाया गया कि शायद कुछ पॉजिटिव हुआ हो, शायद हड़ताल ख़त्म करने के उस पर फैसला हुआ हो और दोनों पक्ष खुश हैं, इसीलिए शायद ये तालियाँ बजी हैं। लेकिन ये पता चला जब बाहर लोग निकले तब ये बताया गया कि नहीं, तालियाँ इसलिए बजी थी क्योंकि जो संयोजक हैं इस पूरी समिति के, शैलेंद्र दुबे, उन्होंने अपनी बात रखी, बड़ी मजबूती से बात रखी और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनको हर बार ऊर्जा मंत्री की तरफ से आश्वासन दिए जा रहे हैं कि जो आप लोग कह रहे हैं, मांगे उनकी मानी जाएंगी, लेकिन ये हड़ताल ख़त्म करिए, क्योंकि 48 घंटे हो चुके हैं और 48 घंटे में पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। मैं ज़रूर यहाँ पर लखनऊ में बैठा हूँ, यहाँ पर स्थितियाँ आदर्श हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे छोटे कस्बे हैं, शहर हैं, जहाँ पर स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। बिजली ना होने की वजह से पानी नहीं आ पा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अस्पतालों में दिक्कतें हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं जो लोग लगातार कंट्रोल रूम में, जो कंट्रोल रूम नंबर दिया गया है, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं, और ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। इसीलिए दोपहर में मुख्यमंत्री ने इसको संजीदगी से लेते हुए कहा था कि इस मामले को रात तक किसी न किसी तरह से निपटा दिया जाए, अगर कोई सख्ती बरतनी है तो सख्ती बरती जाए, और अगर कुछ उसमें ये ज़रूरी है कि कोई कार्रवाई की जाए तो कार्रवाई की जाए। देखिए, DCP सेंट्रल अपर्णा जी अभी अंदर से निकली हैं, वो बैठी थी करीब 1.25 घंटे से लगातार
भीतर बैठी थी और अब निकली हैं यहाँ पे। इससे पहले उन्होंने हमसे बात की थी, बताया था कि शायद रात तक FIR हो जाएगी और FIR इसीलिए होल्ड पर रखी गई है कि एक टैक्टिस ये भी हो सकती है कि प्रेशर डालने का जो टैक्टिस है उस वजह से FIR को होल्ड पर रखा गया है। दोपहर में ही ऊर्जा मंत्री कह चुके हैं, 3 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन अभी तक FIR नहीं हुई और ये कोशिश की जा रही है कि एक जो सर्वमान्य हल है निकल आए, किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाए, हड़ताल ख़त्म कराई जाए। हड़ताल ख़त्म कराई जाने के बाद अगर नहीं होती है हड़ताल ख़त्म तो फिर FIR दर्ज करने और अरेस्टिंग करने की नौबत आएगी, फिर जो प्रेशर टैक्टिस होती है वो अपनाई जाएगी। तो अधिकारी बार बार अंदर जाते हैं, पुलिस के बार बार बात करते हैं, ऊर्जा मंत्री से निर्देश लेते हैं, अपने आला अधिकारियों से बातचीत करते हैं और जो संयोजक है समिति के और जो अन्य पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत होती है, लेकिन कोई भी निष्कर्ष पर अभी कोई नहीं पहुँच पाया है। ये बैठक कितनी देर चलेगी ये भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एम देवराज को भी बुलाया जाने की मांग कर रहे हैं। जो एम देवराज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं और भी आला अधिकारी जो संबंधित विभाग के हैं वो क्यों नहीं है, और उनके होने से चीजें थोड़ी आसान होती, टेक्निकल टर्म में वो मीडिएटर का काम कर सकते थे मंत्री और कर्मचारियों के बीच में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी शाम को आरोप लगाए हैं, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी समिति के लोगों ने और उन्होंने कहा था कि ऊर्जा मंत्री ने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, हम बुला रहे हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, आपस में बैठकर बातचीत करें, लेकिन वो लोग आ नहीं रहे। तो इस बात को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी समिति के लोगों ने नकार दिया और ये कहा कि हमको अभी तक 16 तारीख से अभी तक कोई भी वार्ता के लिए कोई भी कॉल नहीं आई, किसी ने ऑफर नहीं किया कि आकर वहाँ पर अपनी बात रखें, आपस में बात करें, एक संवाद करें। कम्युनिकेशन गैप से बहुत सारी चीज़ें खराब होती हैं, तो संवाद ही नहीं हुआ, बुलाया ही नहीं गया, तो फिर हम कहाँ से जाएँ, कैसे चले जाएँ। लेकिन रात में करीब 7:30 बजे धरना प्रदर्शन के दौरान ही फ़ोन कॉल आई और जो SD की बताई जा रही थी ऊर्जा मंत्री के, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आइए, आवास पर आइए, लेकिन उस समय ये स्पष्ट नहीं था कि आवास पर क्या ऊर्जा विभाग के बड़े अधिकारी भी मौजूद होंगे। एम देवराज जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्या वो भी मौजूद होंगे? जब यहाँ पर लोग पहुँचे तब वो यहाँ मौजूद नहीं थे और उनसे कई बार जो शैलेंद्र दुबे हैं संयोजक हैं समिति के, उन्होंने कई बार कहा कि अधिकारियों को बुलाइए, जब तक अधिकारी नहीं आएंगे तब तक कोई सहमति नहीं बनेगी, क्योंकि हस्ताक्षर उन्हीं के होने चाहिए। और ये ऐसा पहले भी हुआ जब हड़ताल की नौबत आई, जब बिजली कर्मियों ने अपनी मांग रखी, तब भी अधिकारियों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, अड़ गए थे। उसका नतीजा ये हुआ कि हड़ताल की नौबत आई, आंदोलन किया बिजली कर्मियों ने और आज भी वही स्थिति 2 दिन से लगातार बनी हुई है। अब जब समझौते की बात है, एक सहमति की बात है, उनको कहा जा रहा है कि आप आ जाइए, रात का समय है, क्या अंदर बातचीत हो रही है ऊर्जा मंत्री और अधिकारियों के बीच में ये बहुत साफ नहीं है, अंदर से फिल्टर होके खबरें नहीं आ पा रही, लेकिन अधिकारी का यहाँ ना होना एक तरह से बड़ा सवाल है कि ऊर्जा मंत्री ने अगर बुलाया है और अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप जरूर है, कोई ना कोई एक संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है और उस संवादहीनता की स्थिति का जो खामियाजा है इस प्रदेश की लाखों करोड़ों लोगों को कैसे न्योता और कैसे आमंत्रण की जरूरत होगी, जब प्रदेश की जनता जिनकी सेवा के लिए आपका चयन हुआ है, आपके विभाग की वजह से हाहाकार मचा है, गांव-गांव लोगों के घरों में बिजली पानी की परेशानी किल्लत है, ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस बैठक में वो पहुंच करके अपने कर्मचारियों के बीच और विभाग के बीच बातचीत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं बना पा रहे थे? देखिए स्नेहलता, जो अंदर से लोग निकल रहे हैं समिति के लोग, उनका कहना है कि ऊर्जा मंत्री ने बुलाया था बात करने के लिए, उनको ये लग रहा था कि उनकी बातचीत से, उनके जो आश्वासन है उससे हल निकल आएगा और हड़ताल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो अच्छी तरह से चीज़ों को जानते हैं, उन्होंने लगातार देखा है कि अधिकारी का होना इस तरह की बैठकों में कितना ज़रूरी है। जब अधिकारी हस्ताक्षर करेगा, ऊर्जा मंत्री हस्ताक्षर करेंगे, तब उस समझौता पत्र जो होता है, वो कागज़ होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। विभाग की अंदरूनी जानकारी सिर्फ फाइलों के फॉर्म में नहीं आती है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं। फिलहाल देखते हैं कि मीटिंग कब तक चलती है और उससे क्या अपडेट आती है। हमारे सहयोगी विवेक जहाँ मीटिंग चल रही है वहीं से तमाम जानकारी दे रहे थे, शुक्रिया विवेक। पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के 5 साल की सजा की खबर मिल रही है। प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। 2009 के लोकसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में ये सजा का ऐलान। एक जनसभा में गोली चलाने से सरकारी गनर कई लोग घायल हुए थे। पूर्व विधायक विजय मिश्रा कई धाराओं में दोषी करार दिए गए हैं। बड़ी खबर, पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को 5 साल की सजा। प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। 2009 के लोकसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में सजा
एक जनसभा में गोली लगने से गनर कई लोगों के घायल होने का यह मामला था। पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर कई धाराओं में दोषी करार वो दिए गए हैं। बड़ी खबर, पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को 5 साल की सजा। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। मामला 2009 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा, जहां एक जनसभा में गोली लगने से सरकारी गनर कई लोग घायल हुए थे। इस मामले में कई धाराओं में दोषी पाए गए हैं विजय मिश्रा। उधर आगरा में 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी दस्तावेज पर अवैध रूप से ये सभी रह रहे थे। यूपी एसटीएफ और ताजगंज पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। थाना ताजगंज इलाके से बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई है। अवैध तरीके से रह रहे थे, इनके पास से फर्जी दस्तावेज मिले हैं जिसके जरिए ये रहा करते थे। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी 5 नागरिकों को गिरफ्तार किया यूपी एसटीएफ ने। ताजगंज पुलिस के साथ कंबाइंड ऑपरेशन चला करके सफलता हाथ लगी है। थाना ताजगंज इलाके से ही इन बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई है। इटावा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के चलते अस्पताल में भी बिजली गुल हो चुकी है। इसके बाद अस्पताल में सिटी स्कैन अल्ट्रासाउंड मशीन बंद हो चुकी है। अस्पताल में अंधेरा छा गया है। बिजली नहीं आने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हड़ताल को देखते हुए सीएमएस ने पहले ही जनरेटर के लिए डीजल का इंतजाम कर दिया। उधर अमेठी में भी बिजली नहीं आने से हाहाकार की स्थिति है। जिले के आधा से ज्यादा इलाके की बात करें तो वो बिजली नहीं है, अंधेरे में। सबसे ज्यादा प्रभावित है अमेठी तहसील क्षेत्र। इसके बाद काफी तादाद में स्थानीय लोग पावर हाउस पहुंचे। सूचना पाकर पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए, अपनी मौजूदगी में बिजली सप्लाई को बहाल कराया। वाराणसी में जनता पर दोहरी मार पड़ी है। तेज हवाओं के साथ बारिश है और बिजली कटौती से लोगों की मुश्किल पहले से बढ़ी हुई है। बारिश बिजली कटौती से जनजीवन प्रभावित है और कुल मिलाकर के जनता पर दोहरी मार। तेज हवाओं के साथ बारिश और बिजली कटौती से लोगों की परेशानी पहले से ही बढ़ी हुई थी। बारिश और बिजली कटौती से जनजीवन प्रभावित, ये वाराणसी का हाल है। जनता पर दोहरी मार, तेज हवाओं के साथ बारिश अन्नदाता के लिए अच्छी खबर नहीं, और शहर में रहने वाले लोग बिजली कटौती से परेशान हैं और मौसम भी खराब। तो दिन में भी धूप नहीं, अंधेरे जैसी स्थिति, और घर के भीतर भी बिजली नहीं होने से अंधेरा ही अंधेरा। कुल मिलाकर के रोशनी की कमी, वाराणसी में लोगों के ऊपर दोहरी मार। पूरे दिन बादल छाए रहे और बिजली कटौती से भी लोग परेशान रहे। और इसी मामले पर बिजली कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को ऊर्जा मंत्री ने बातचीत के लिए जब अपने आवास पर बुलाया, पदाधिकारियों के पास ऊर्जा मंत्री के ओएसडी का फोन आता है, उनको बुलावा भेजा जाता है। बिजली संघ कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं वो एके शर्मा के आवास पर इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं, जहां की तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई। इस बैठक में शामिल होने से पहले समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहा, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं हड़ताल चलता रहेगा। वहीं इससे पहले ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा हड़ताली कर्मचारी काम पर लौट आएं। उन जगहों को जहां हम बर्खास्त कर रहे हैं, उन लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि देश में बहुत बेरोजगारी है, मैं उन सब से निवेदन करता हूं, उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूं कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है। ये अभी आपको शायद अंदाजा नहीं आ रहा है, जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाजा होता है। ऊर्जा मंत्री के आवास पर होगी 14 कालिदास मार्ग, उनके आवास पर क्या वार्ता होगी आप? क्या मुझे नहीं पता, हमारा तो एक ही पॉइंट है कि समझौते का क्रियान्वयन हो, हमारा तो एक ही मुख्य बिंदु है। वार्ता सफल रहेगी? वार्ता सफल रहेगी, दमन के जो फैसले घोषित किए गए हैं वापस होंगे तो हम काम पर जाएंगे, नहीं तो हड़ताल ही जारी है। ये तो वार्ता की बात बताएंगे, हड़ताल तो अभी वैसे ही जारी है, कल तक वैसे ही जारी है। और उन्नाव में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मोबाइल की टॉर्च को जलाकर विरोध दर्ज किया, विरोध जताया। सैकड़ों की तादाद में बिजली कर्मचारियों ने यह प्रदर्शन किया, मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी।
गोरखपुर में भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी ग्रामीण क्षेत्र में 30 उपकेंद्रों पर सप्लाई ठप है। बिजली कर्मचारियों का कहना है अगर सरकार उनकी 14 सूत्री मांगों को मान ले तो वो अपना आंदोलन खत्म कर देगा। श्रावस्ती में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से 536 गांव अंधेरे में डूबे हैं। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर। अस्पतालों की बिजली गुल हो चुकी है। डॉक्टर मजबूरी में टॉर्च या मोबाइल की रोशनी में लोगों का इलाज करने को मजबूर हैं। जिले की 2 लाख से ज्यादा की आबादी बिजली कटौती से परेशान। मिसेज इंडिया प्रतियोगिता 2022-23 में क्लासिक मिसेज इंडिया की विजेता रही ज्योति अरोड़ा की दिल्ली में क्राउनिंग सेरेमनी हुई। इसमें मिसेज इंडिया पेजेंट एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर दीपाली फर्नीस भी मौजूद रही। क्लासिक मिसेज इंडिया ज्योति अरोड़ा ने इस मौके पर बताया कि वो घरेलू सामाजिक कार्य करते हुए इस कॉम्पिटिशन की विजेता बनी हैं। उनका कहना है कि सभी महिलाओं को आगे आकर अपना काम करना चाहिए, ऐसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। आपको बताएं मिसेज इंडिया प्रतियोगिता घरेलू और कामकाजी महिलाओं के बीच सौंदर्य की प्रतियोगिता होती है जो पिछले 11 सालों से आयोजित हो रही है। हाल ही में राजस्थान के रणथंबोर में हुए इस प्रतियोगिता के फिनाले में ज्योति अरोड़ा टॉप 16 की पोजीशन में आई और क्लासिक श्रेणी में पहुंची और महिला सशक्तिकरण पर उनके जवाब ने उन्हें यह खिताब दिलाया। उन्हें मिसेज इंडिया रनर अप 2022-23 के साथ ही मिसेज इंडिया ग्लिटरिंग गॉडेस 2022-23 और मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ सोशल मीडिया 22-23 के प्रतिष्ठित खिताब से नवाजा गया। ज्योति अरोड़ा पेशे से ज्योतिष, फेंग शुई मास्टर, टैरो रीडर, वास्तु एक्सपर्ट हैं। क्लासिक मिसेज इंडिया के बारे में मैंने सपना देखा तब शुरू किया जब मैं क्लासिक मिसेज इंडिया की कैटेगरी में आई। मतलब देखो जब आप बहुत यंग होते हो ना, जब आप यू आर इन योर 20s एंड ऑल, तो आप वैसे ही बहुत खूबसूरत होते हो और आपको लगता है कि आप में पावर ज़्यादा है, आप में एनर्जी ज़्यादा है, आप वैसे ही बहुत कुछ कर रहे होते हो, मल्टीटास्किंग कर रहे होते हो। लेकिन जब आप क्लासिक कैटेगरी में 40 क्रॉस करते हो तो समहाउ आपको कभी कभी लोगों का कॉन्फिडेंस लूज होता है, लेकिन मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज मेरा नहीं हुआ। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि एक एज एक बैरियर नहीं है एक वुमेन के लिए टू बी ऑन द टॉप। तो मुझे तब ऐसा लगा कि किसी ना किसी क्षेत्र में तो आप क्वीन बन ही सकते हो ना, तो मुझे लगा कि वाई नॉट ट्राई फॉर दिस थिंग एंड डू समथिंग बिग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।